दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को कैसे डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जिन्हें ये पता नहीं है कि किस तरीके से आप अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि फेसबुक अकाउंट को डिलीट परमानेंटली कैसे कर सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है। दोस्तों जैसे आप अपने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका प्रोफाइल आइकन दिखाई देता है और यहाँ पर आपको तीन लाइन दिखाई देता है। आपको क्या करना है दोस्तों, इस थ्री लाइनिंग पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होकर आता है और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और उसके बाद से आपको क्या करना है दोस्तों, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देता है। एक ऑप्शन दिखाई देता है हेल्प एंड सपोर्ट का, सेटिंग एंड प्राइवेसी का। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस सेटिंग और प्राइवेसी से एक सेटिंग निकल कर आता है। आपको क्या करना है दोस्तों, इस सिंगल वाले सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोसेसिंग होने के बाद एक नया पेज खुलता है और यहाँ पर ऊपर ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है अकाउंट और सेंटर का। आपको क्या करना है दोस्तों, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी देर प्रोसेसिंग होने के बाद एक नया पेज फिर से ओपन होकर आता है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका प्रोफाइल पिक्चर दिखाई देता है और नीचे यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है पर्सनल डिटेल्स का। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर एक नया पेज ओपन होकर आता है और यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिखाई देता है कि आपने जिस नंबर से आपने फेसबुक अकाउंट बनाया है वो यहाँ पर आपका नंबर शो करता है। डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन और नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो एक पेज ओपन होकर आता है और यहाँ पर देख सकते हैं दो ऑप्शन दिखाई देता है। आपको नीचे वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है डीएक्टिवेशन और डिलीशन का, आपको इस पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया पेज ओपन होकर आता है और यहाँ पर आपको दो प्रोफाइल आइकन दिखाई देते हैं। एक तो फेसबुक का प्रोफाइल आइकन दिखाई देता है और एक इंस्टाग्राम का प्रोफाइल आइकन दिखाई देता है। हमें तो फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, फेसबुक प्रोफाइल आइकन पर क्लिक कर देंगे। यहां पर जब क्लिक करेंगे तो यहां पर फिर से एक नया पेज ओपन होकर आता है और यहां पर दो ऑप्शन बताता है। पहला ऑप्शन बताता है डीएक्टिवेट अकाउंट और दूसरा बताता है डिलीट अकाउंट। डीएक्टिवेट का मतलब होता है कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को कुछ दिनों तक बंद करके रख सकते हैं और डिलीट का मतलब होता है कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली मतलब हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं, इसका यह मतलब होता है। तो हमें तो हमेशा हमेशा के लिए अपने फेसबुक अकाउंट को बंद करना है तो हम क्या करेंगे, डिलीट अकाउंट को यहां से सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहां से कर देंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपसे कुछ पूछता है, बोलता है कि आप किस रीजन से आप अपने अकाउंट को बंद करना चाहते हैं। तो यहां पर कुछ ऑप्शन दिखाई देता है, बोलता है, पहला ऑप्शन बोलता है कि आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक। आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन को चूज कर लेना है। चलिए मैं यहां पर फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज कर सकता हूं। आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो दोस्तों मैं यहां पर फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद यहां से कर दूंगा कंटिन्यू। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा दोस्तों तो यहां पर फिर से एक नया पेज ओपन होकर आता है और यहां से फिर से आपको क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे दोस्तों तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लिख रहा है परमानेंटली डिलीट अकाउंट। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे दोस्तों तो यहां पर कुछ बातें बोलता है यहां पर देखिए, बोल रहा है कि डाउनलोड योर फेसबुक इंफॉर्मेशन, यू हैव 156 फोटोज, 93 पोस्ट, ये सभी चीज़ें यहाँ पर बताता है। अगर आप इन सभी चीज़ों को, फोटो को, जो कुछ भी आप अपने फेसबुक अकाउंट पर रखे हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, अभी भी आपके पास वक्त है अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो। अगर आपका मान लीजिए कि फेसबुक पर कोई फेसबुक पेज है वो भी आपका साथ ही साथ डिलीट हो जाएगा। अगर आप फेसबुक अकाउंट को डिलीट करते हैं तो आपका फेसबुक पेज भी दोस्तों डिलीट हो जाता है। आपको क्या करना है दोस्तों, नीचे स्क्रॉल करके आना है। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर एक कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो फिर से यहाँ पर एक पेज ओपन होकर आता है और बोलता है कि आप अपने फेसबुक अकाउंट का जो पासवर्ड है उसको यहाँ पर भरिए, यहाँ पर डालिए। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने फेसबुक अकाउंट के पासवर्ड को डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपने फेसबुक अकाउंट के पासवर्ड को फिल कर दिया है, यहाँ पर डाल दिया है। फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर एक नया पेज ओपन होकर आता है और ये लास्ट प्रोसेस होता है डिलीट करने का। यहाँ पर साफ साफ लिख रहा है कन्फर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन।
यहाँ पर एक और भी बात देता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बोल रहा है कि यू आर एबल टू शेड्यूल योर अकाउंट फॉर परमानेंट डिलीशन। वंस यू शेड्यूल योर अकाउंट फॉर डिलीशन यू हैव 13 डेज टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट एंड कैंसिल द डिलीशन आफ्टर 13 डेज। द डिलीशन प्रोसेस विल बिगेन एंड यू वॉन्ट बी एबल टू रिट्रीव एनी ऑफ द कॉन्टेंट फॉर इंफॉर्मेशन यू हैव एडेड। बोल रहा है कि अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर देते हैं तो आपके पास 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो 30 दिन के अंदर में आप अपने फेसबुक अकाउंट को फिर से लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं, लेकिन 30 दिन जैसे ख़त्म होगा तो आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। तो इस जो स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यही होता है। तो आप लोग इस स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा और पढ़ कर समझ कर यहाँ से डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप डिलीट अकाउंट पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगती है, इससे आपको कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा आपको टेक से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए